एक्स स्क्वायर ई पावर वाई प्लस टू एक्स वाई पावर एक्स प्लस 13 इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे ने अगर टाइम ज्यादा दिया तो आपका काफी लॉस हो गया होगा। देखो dy बाय dx का एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पार्शियली डिफरेंशिएट न्यूमरेटर अपॉन पार्शियली डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर माइनस साइन के साथ, यस और नो? अगर आप ध्यान दें तो मुझे माइनस तो एक ही में दिख रहा है, ना मुझे माइनस इसमें दिख रहा है ना मुझे माइनस इसमें दिख रहा है। इतना चांस तो लिया जा सकता है आप लोग, आप इसको बिना सॉल्व करे सी लगा सकते थे। मैंने इन छोटी छोटी, और ये क्या है, मैंने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे वैसे ऑप्शन रखे। आपका स्मार्ट स्किल बहुत मायने रखता है, नहीं इंप्लिसिट तो लगाना ही था बट इंप्लिसिट के बाद भी नहीं करने वाला क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पता है इंप्लिसिट का फॉर्मूला यह होता है, अगर इस तरह का फंक्शन है तो डी वाई बाय डी एक्स का आपने सब बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला होता है, यानी माइनस तो आना ही है। अच्छा बाई चांस इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है एलएचएस में जिसके वजह से माइनस कैंसिल हो रहा हो, कई बार कैंसिल होता है, मान लो साइन एक्स माइनस वाई लिखा है तो इसका माइनस नीचे आता, पर यहां पर कुछ ऐसा है ही नहीं तो माइनस तो आना है, और इन दो में प्लस था इसलिए खत्म। अब रहा सवाल करने का तो कर जरूर दूंगा मैं थोड़ा सा, किसी को मान लो नहीं आता पार्शियल, याद रखिए टोटल डिफरेंशिएशन में अगर एक्स स्क्वायर है तो 2x होगा, वाई स्क्वायर है तो 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स होगा, और कांस्टेंट है तो जीरो। पर पार्शियल में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो केवल उसी का होगा, जैसे ये 2x डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर लिखा होता तो जीरो हो जाता, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा होता तो मल्टीप्लाई फॉर्मूला नहीं लगता, 2x इंटू वाई स्क्वायर हो जाता। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपको सिंगल स्टेप में क्वेश्चन किया जा सकता था, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस, एंड न्यूमरेटर में करोगे तो इस एक्स स्क्वायर का हुआ तो 2x e पावर y, इस x का 1 हो गया तो 2x y e पावर x, यस और नो? डिनोमिनेटर में विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो एक्स स्क्वायर ई पावर y प्लस इस y का 1 हो गया तो 2x y e पावर, सॉरी 2x e पावर x, ये खत्म। अब अगर ध्यान दें तो e पावर x अगर मैं कॉमन ले लूं तो e पावर x कॉमन लेने से e पावर y माइनस x होगा, वही दिया हुआ है e पावर x, तो ये भी y माइनस x होगा, यहां पर e पावर x खत्म हो जाएगा, यहां पर x कॉमन निकाल सकते हो, ये लिखा हुआ, यानी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जो बताया, पर आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए था, ये मेरा सजेशन है। नन ऑफ दिस था तो आप सॉल्व कर सकते हो, इतना थोड़ा टाइम लेना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव में मल्टीप्लीकेशन रूल इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन में लगेगा इसमें केवल, क्योंकि x के मल्टीप्लाई है, तो आप ऐसा लिखते 2x e पावर x y प्लस 2y e पावर x, सॉरी बाकी नहीं लगेगा। चलिए।